की नसें बंद है, पर यीशु की अभी नसों को सही कर रहे हैं। सारी जोड़ों की दर्द भविष्य के नाम से निकल, सारी कमर की दर्द भविष्य के नाम से निकल, से पांव की दर्द सारी दर्द भविष्य के नाम से निकल जा, सारे लंगड़े भविष्य के नाम से चलने लगे, कुबड़े भविष्य के नाम से सीधे हो जाए। प्रभु जी जिनके हाथ सीधे नहीं है वो परमेश्वर के नाम के हाथ सीधे हो जाए, जो नसे बंद है परमेश्वर के नाम से वो नसे खुल जाए, सारी कमजोर नसे मजबूत हो जाए, सामर्थ आ जाए परमेश्वर जी के शरीर में। और आज इन्हें कह दीजिए जैसा तेरे विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अगर आप विश्वास करें कि परमेश्वर से आपको चिंता कर सकते हैं, अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त परमेश्वर से आपको चिंता कर सकते हैं। आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपसे कहते हैं जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। से दो अंधे मिलते हैं और परमेश्वर से उनसे बात करता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी आंखें खोल सकता हूं? उन्होंने कहा हां प्रभु जी हम विश्वास करते हैं। तब परमेश्वर से कहते हैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। उन अंधों को परमेश्वर मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। आज अपना समय नष्ट ना करें, आज चुनाई का समय है, अब छुटकारे का समय है, अब विश्वास करने का समय है, अभी आप विश्वास करें। उन्होंने कहा हां प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी आंखों को खोल सकते हैं। आप भी विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर कि अभी वो आपको जगह दे सकता है। आप विश्वास करें परमेश्वर पर कि वो जीव के परमेश्वर का पुत्र जीवता मसीह है। आप विश्वास करें परमेश्वर पर कि प्रभु यीशु मसीह अभी और इसी वक्त आपको जगह कर सकता है। और फिर अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर मसीह आपसे कहते हैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अगर हमारे बीच में कोई ऐसे हैं जिनकी आंखें से दिखाई देने नहीं देता, अंधापन की बीमारी है, और जहां आंखों की एलर्जी है, जहां कानों में कोई बीमारी है, जब कानों से सुनाई नहीं देता, जब पढ़ते पढ़ते एक कान के कोई भी कानों की बीमारी है, जब नाक से लहू बहता है, जब नाक की कोई भी बीमारी है, जब हड्डी बड़ी हुई है, जब कोई एलर्जी है नाक की, और आपके गले की अगर किसी में बीमारी है, गले में कोई कांटे हैं, जब गले में कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है गले की, और परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और वो आपको चंगा करना चाहते हैं। आप लोग भी आप विश्वास कीजिए, मैं आपसे कहता हूं जो अगर आप देख नहीं सकते अभी विश्वास कीजिए और अभी देखने लगिए। अगर आपकी आंखों की एलर्जी हो अभी खत्म होगी, कानों की बीमारी अभी दूर होगी, नाक की बीमारी है, गले की बीमारी अभी दूर होगी परमेश्वर के नाम से। सो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। एक दिन नहीं लगा, दो दिन नहीं लगे, दस दिन नहीं लगे, आप इस इंतजार में ना रहे कि दो दिन, चार दिन, दस दिन, पंद्रह दिन के बीच पांच बार ऐतवार आएंगे तो फिर हो जाएगा। आज परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, और आज ही परमेश्वर से आपसे कहते हैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के नाम से अंधों की आंखें खुले, परमेश्वर के नाम से तो क्या खुल जाए, परमेश्वर के नाम से जिन्हें धुंधला दिखाई देता है उन्हें दिखाई देने लग जाए। इसी वक्त परमेश्वर के नाम से अंधेपन की आत्मा खत्म हो जाए, धुंधलेपन की आत्मा खत्म हो जाए। इसी समय में आंखों से साफ दिखाई देने लगते परमेश्वर के नाम से। आंखों की बीमारियां, आंखों की एलर्जी परमेश्वर के नाम से तुझे आगे देता हूं। शरीर का शोर इसी वक्त सारी कानों की बीमारियां, कानों की बीमारियां परमेश्वर के नाम से निकलो, निकलो परमेश्वर के नाम से। कानों की बीमारियां, कान की बीमारी परमेश्वर के नाम से निकल, निकल परमेश्वर के नाम से। और नाक की बीमारियां परमेश्वर के नाम से निकले,
के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय और उसका 40 वचन में लिखा है, परमेश्वर जी कहते हैं यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज भी परमेश्वर जी आपसे कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और उसका भाई जो था उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे और वो कब्र में रखा हुआ था। परमेश्वर ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आवाज चल गई लाजर उठकर मारा और वो 4 दिन पहले जो मर चुका था उसी समय जिंदा हो गया। हालेलुया। सो अब मैं प्रार्थना उनके लिए करना चाहता हूँ, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मसीह मेरे लिए कर सकता है तो आज इसी समय आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वहां पर उसका भाई मर गया था। बहुत से ऐसे लोग आप में ऐसे होंगे जिनका बिजनेस मर चुका है, जिनका बिजनेस मर चुका है, वो यहां पर खड़े हो जाइएगा क्योंकि मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वहां पर उनका मरे हुए भाई को जिंदा किया था और जहां पर बिजनेस जो मर चुका है जिसका उसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। और जिनका बिजनेस फेल हो चुका है, जिनकी पढ़ाई मर चुकी है, स्टडी में फेल हो चुके हैं, जिनका परिवार में शांति नहीं है और परिवार में शांति जो है खत्म हो चुकी है, जिनके पास सफलता नहीं है, सफलता मर चुकी है और असफलता आ चुकी है, वो लोग खड़े हो जाइएगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर से कहते हैं यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को, जो लोग परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं वो लोग खड़े हो जाइएगा। जो लोग परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं वो लोग खड़े हो जाइएगा। परमेश्वर की महिमा को देखना, जो लोग परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना चाहते हैं, जो लोग अन्य भाषा का वरदान पाना चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं अपने पांव पे खड़े हो जाइए। और समस्या रह गई है जिसके लिए अभी तक मैंने प्रार्थना की, ऐसा
बीमारियों, ऐ सारी समस्याओं, ऐ सारी परेशानियों, प्रभु यीशु के नाम से इन शरीर को शरण निकलो, प्रभु यीशु के नाम से निकल जाओ, प्रभु यीशु के नाम से निकल जाओ, प्रभु यीशु के नाम से निकलो, प्रभु यीशु के नाम से निकलो, पांव से लेकर सिर तक हर एक बीमारी, इनके घर की समस्या, इनके बिजनेस की समस्या, इनकी खेती की समस्या, कोर्ट कचहरियों की समस्या, अदालत की समस्या, पुलिस की समस्या, दुश्मनों की समस्या, सारी समस्या से इन्हें बाहर निकाल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता। आपने खुद कहा प्रभु यीशु जी, हाँ जो आप विश्वास करते हैं कोशिश कर पाए, विश्वास जो लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, आज मेरे सब कुछ पूरा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। ऐसा Yeah.